ममालिक की मदद से मुश्किल वक्त से निकल आए, अच्छा वक्त आने वाला है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का रशकई में सनअती जोन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा मुश्किल वक्त में सब्र किया, घबराना नहीं कहता था तो आवाम घबरा जाते थे, धांधली से नहीं न्यूट्रल एम्पायर से जीत कर आया हूँ, स्मार्ट लॉकडाउन से कोरोना और गुर्बत से बचाया, लॉकडाउन लगाते तो भारत जैसी सूरत हाल होती। तरसीलाती ज़र में नुमाया इजाफा देखने को मिला है। अगले माली साल के लिए GDP की शरह तरक्की का तखमीना 4.8% है। तरक्याती बजट के लिए तरजीहात का तयन किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर असद उमर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कोरोना की वजह से पोल्ट्री की सनअत बुरी तरह मुतासर हुई। कोरोना के बावजूद तिजारती मैदान में बड़ी कामयाबी, मुल्की बरामदात तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। अप्रैल का जुलाई बरामदात में 6.2% इजाफा, आलमी बैंक ने अदादोशुमार जारी कर दिए। 10 माह में अमेरिका को बरामदात में 20%, बरतानिया को 22% और चीन को 16% इजाफा हुआ। पानी का मसला सियासी नहीं मुआशी इशू है, सिंध में पानी के मसले पर कभी लड़ाई नहीं हुई, रुकने असम्बली बना तो मसले का पता चला, असम्बली में पानी के मसले पर तफरीक देखकर दुख हुआ, वज़ीर आला सिंध का ऐवान में इजहार ख्याल, पंजाब ने मामले पर न्यूट्रल एम्पायर का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आबपाशी मोहसिन लगारी कहते हैं जिन पॉइंट्स पर पंजाब में पानी उतरता और निकलता है वहाँ मॉनिटर्स बिठाए जाए। सिंध के पानी से मुतालिक मौकिफ को नुकसान पहुंचाया गया, आज मौका था, कौमी असम्बली में पानी की किल्लत पर बात हुई, ऑपोजिशन क्यों पार्लियामेंट से भाग गई, वफाकी वजीर फहमीदा मिर्जा की तनकीद, फिरदौस आशिक अवान कहती हैं सिंध की सियासी जमात पानी के मसले पर सियासत कर रही है, सूबे में चोरी करके पानी वडेरों और जागीरदारों को दिया जाता है, गलत बयानी से सूबों में गलत फहमी पैदा की गई। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी जाने तहकीकात, शहजाद अकबर जहांगीर तरीन की जमानत मंसूख कराने के लिए सरगर्म, FIA को अहम टास्क दे दिया, मुशीर एहतसाब ने डायरेक्टर FIA से मुलाकात में तरीन फैमिली के खिलाफ दस्तियाब शवाहिद का जायजा लिया, 31 मई तक शवाहिद इकट्ठे करने की हिदायत कर दी। कच्चे के डाकू कितने पक्के हैं, सिंध में क्या देखा, किन इकदाम की जरूरत है, शेख रशीद ने वजीर आजम के खसूसी टास्क को रिपोर्ट को हतमी शक्ल दे दी, वजीर दाखिला की वजीर आजम के साथ अहम नशिस्त, सिंध में अमन अमान से मुतालिक हलीम आदिल शेख ने 12 सफात पर मुश्तमिल रिपोर्ट वजीर आजम को भिजवा दी, रिपोर्ट में डाकुओं के हाथों 250 अफराद के कत्ल का इंकशाफ, 70 से जायद अगवा, पाक फौज को इख्तियार देने की तजवीज़ भी दे दी। डेरा गाजी खान में लादी गैंग के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, सहूलतकारी के इल्ज़ाम में 15 अफराद समेत 27 गिरफ्तार, पॉलिटिकल इंतजामिया कहना है कि गैंग के ठिकानों को मिसमार कर दिया, आरजी पनागाहों को आग लगा दी, मुलजमान मोर्चे छोड़कर फरार, सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके की नाकाबंदी कर दी, मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए पेश कदमी जारी, लादी गैंग के सरगना खुदाबख्श का भाई इब्राहिम गिरफ्तार। MKM लंदन का सिंध के छोटे शहरों में दहशतगर्दी के लिए बनाया जाने वाला बड़ा नेटवर्क बेकरार, नकाब CDD ने हैदराबाद और कराची के 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया, असलाह और दस्ती बम बरामद, हैदराबाद समेत दीगर शहरों में मुखालफीन को कत्ल करने और दहशतगर्दी की हिदायत मिली थी, गिरफ्तार मुलजमान का इकरार।